इसी तरह से हम दूसरी पत्तियां भी बनाएंगे। अगर आपको ये लगे कि कलर आपको कपड़े पर नहीं चल रहा है, तो आप उसमें बीच बीच में थोड़ा सा पानी का टच भी दे सकते हैं। आप अगर पत्ती या फूल की पत्ती है या दूसरी पत्ती है उसके बीच में पानी लगा सकते हैं। वो ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए पानी, पत्ती की बाहर वाली साइड तक, और आप उसकी शेडिंग कर दीजिए तो वो सॉफ्ट और अच्छी बनेगी, कलर भी कम लगेगा और पत्ती की शेड भी अच्छी आएगी और कपड़े पे ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा कपड़ा पेंट से। इसी तरह से हमने पत्ती की बाहर वाली साइड पे गोल्डन कलर का टच दिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और बीच वाले रेशे भी बना दिए हैं। अब हम आपको फूल की पत्तियां बनाना बताएंगे। इसमें हमने पिंक कलर बनाया है वाइट और रेड से मिक्स करके। वाइट आपने ज़्यादा डालना है और जो रेड कलर है वो कम ही रखना है। इस तरह से हमने ये पत्तियां कलर बना के पत्तियां बनाई है फूल की। इसी तरह से हम पहले सिंपल पत्तियां बनाएंगे, उसके बाद आपको हम शेड करना बताएंगे। ये देखिए जो दूसरे फूल की पत्ती है वो इस फूल के ऊपर से आ रही है। इसी तरह से हम सारी पत्तियां जो है वो सिंपल पिंक कलर से फिल कर लेंगे। इसमें हमने भरमा जो है वो एक साथ भरमी शेडिंग ही करनी है, अभी शेडिंग नहीं देनी है, यानी कि फिल ही करना है कलर। उसके बाद हम आपको इसमें शेडिंग करनी भी बताएंगे। अगर आपने पानी लगाना भी है तो पत्ती की अंदर वाली साइड ही पानी लगाना है, बाहर वाली साइड हो सके तो बाहर वाली साइड पानी फैलना नहीं चाहिए। अगर आपके पत्ती के बाहर वाली साइड पानी फैलता है तो उससे आपका जो कलर है वो फैल जाएगा सूट पर। इसी तरह से हमने दूसरी पत्तियां भी फिल कर लेनी है। जब सूख जाएगी ये पत्तियाँ तब हम आपको इसमें शेडिंग करना बताएंगे। ये देखिए हमने पहले रेड कलर से अंदर वाली साइड से बाहर को शेडिंग की है, जैसे हम हर वीडियो में आपको बताते ही हैं। अब हम ऊपर वाली साइड से अंदर वाली साइड को शेडिंग वाइट से कर रहे हैं और बीच में डॉट्स लगाएंगे, चाहे आप ब्राउन की, वाइट की, कलर की लगा सकते हैं। इसी तरह ये पत्तियां भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने डबल या ट्रिपल शेडिंग करनी है तो आप इस बात पे आपकी पत्तियों में बीच में ब्लैक कलर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम रेड से इसकी शेडिंग करेंगे तो ये अपने आप छिप जाएगा बीच में से। अगर आपको ज़्यादा मोटा नहीं लग रहा है कलर तो आप दोबारा शेडिंग कर सकते हैं। देखिए हमने ये रेड की बाहर की तरफ शेडिंग की है सभी पत्तियों में। इसी तरह से हम अंदर की साइड को
से बाहर की साइड को शेडिंग करेंगे। अब हम इस पे वाइट की शेडिंग करेंगे बाहर वाली साइड से अंदर वाली साइड को। इसी तरह से हम सारी पत्तियां जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इससे हमारा जो डिजाइन है, जो फ्लावर है, वो उभर के आएगा। इसी तरह हम बीच वाली पत्ती में भी कलर फिल कर लेंगे पिंक कलर। थोड़ा हम वाइट का टच भी बीच बीच में दे रहे हैं ताकि जो ब्लैक कलर है वो कम दिखे नीचे से कपड़े का ब्लैक कलर। इसमें हम सिंपल कलर ही यूज कर रहे हैं, कोई केमिकल कलर नहीं है, सिंपल फैब्रिक क्रिल के कलर हैं सॉफ्ट वाले। इसी से हम ये सूट पेंटिंग कर रहे हैं। Thank you.